12 रबी उल अव्वल को लेकर पुलिस ने अन्य विभाग के साथ मीटिंग की, जिसमें 12 रबी उल अव्वल को लेकर चर्चा की गई। कई लोगों ने अपने विचार रखे, जिस पर पुलिस ने पूर्ण सहयोग देने का आश्वासन दिया गया। वहीं जुलूस रूट से वाहन ठेले हटाने को लेकर चर्चा हुई, जिससे जुलूस निकाले जाने के दौरान कोई बाधा ना हो। साथ ही वहीं साफ सफाई और व्यवस्थाओं को लेकर भी चर्चा गई। पुलिस ने कहा कि कार्यक्रमों या जुलूसों में कोई भी व्यवधान उत्पन्न करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। मिलाद उल नबी हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज इंतजामिया कमेटी की मीटिंग ली गई थी। इसमें शहर के सभी इंतजामिया कमेटी के मेंबर, शहर के काजी और अन्य काजी तथा शहर की संभ्रांत जनता उपस्थित थी। सभी को यह अवगत कराया गया कि जिस रूट पर शोभा यात्रा निकलनी है उस रूट पर कोई भी गाड़ी खड़ी ना रहे, और बिजली विभाग को बताया गया है कि वो समय से बिजली उपलब्ध कराएं। इसके अलावा हर साल की तरह इस साल भी जो हमारी 12 तारीख ईद मिलाद उन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पड़ रही है वो 28 सितंबर को पड़ रही है, और उस तारीख में जुलूस मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकाला जाता है। और जो आज यहाँ पर अधिकारियों के साथ बातचीत हुई और जो आपस में तबादला ख्याल किया गया, डिस्कस किया गया, इससे पहले भी हमने मीटिंग रखी थी, तो जो सारी बातें हुई उनमें यही हुआ जो हम पहले से अपनी आवाम को पैगाम देते हुए चले आ रहे हैं कि ये प्यारे अपने मिल्लत हज़रत मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम विलादत के मौके पर जुलूस का आयोजन किया जा रहा है। मैं शहर के तमाम आवाम से ये गुजारिश करूंगा कि हर मुमकिन तआवुन अता करें और अकाबरीन मिल्लत आइम्मा मसाजिद जो इसमें बहुत मेहनत कर रहे हैं, मैं मुस्लिम एक्शन कमेटी की तरफ से उन लोगों का शुक्रगुजार